Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS speaking. Guys, आज की ये वाली वीडियो में हम लोग चेकआउट करने वाले हैं न्यू सैम्पल आंसर फॉर द न्यू क्यू कार्ड. द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ पर्सन फ्रॉम होम अदर्स लाइक टू आस्क फॉर एडवाइस. कोई ऐसा पर्सन जिससे दूसरे बंदे एडवाइस मांगना पसंद करते हैं. सो आप यहाँ पे किसी भी पर्सन के बारे में बोल सकते हैं. इट कैन बी योर ग्रैंड फादर, फादर और एनी वन एल्स इन योर विलेज. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द वोकेबुलरी. फर्स्ट, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होना. चैलेंजिंग रोल, मतलब एक डिमांडिंग और डिफ़िकल्ट जॉब. रिस्पेक्ट हिज ओपिनियंस, मतलब होल्ड हिज एडवाइस इन हाई रिगार्ड. रियल लाइफ सिचुएशंस, मतलब एक्चुअल इवेंट्स और प्रॉब्लम्स. पर्सनल कन्फ्लिक्ट, मतलब डिसएग्रीमेंट और प्रॉब्लम बिटवीन इंडिविजुअल्स. मैनेजिंग फाइनेंसिस, मतलब पैसे के रिलेटेड. वेट द प्रोज एंड कॉन्स, मतलब दोनों चीज़ों को कंसिडर करना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को. डिसिप्लिन्ड, मतलब एबल टू कंट्रोल वन सेल्फ एंड फॉलो रूल्स और स्टैंडर्ड्स. मोरल कंपास, मतलब अ पर्सन एबिलिटी टू जज वट इज़ राइट एंड रॉन्ग. अप्रोचेबल, मतलब जिसको ईजी टू टॉक हो, जहाँ जिससे एडवाइस हम ईजीली मांग सकें. सेंस ऑफ क्लैरिटी, या क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग. रोल मॉडल, जिसको मतलब लोग एडमायर करते हैं. मूविंग ऑन टू द idioms, इन अ नटशेल, मतलब समराइज करते हुए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर. एंड ऑल इन ऑल, मतलब ओवरऑल और कंसिडर्ड एवरीथिंग. सो मूविंग ऑन टू द सैम्पल आंसर फॉर दिस क्यू कार्ड. आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई ग्रैंड फादर, हु इज़ समवन मैनी पीपल टर्न टू फॉर एडवाइस. ही इज़ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एंड हैज़ अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इन वेरियस फील्ड. जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा, जो कि मतलब एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं. उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड्स में. फ्रॉम डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, इन अ नटशेल, हिज विस्डम कम्स फ्रॉम द ईयर्स ही स्पेंड सर्विंग इन चैलेंजिंग रोल्स. उनको ये मतलब जो एबिलिटी है उनकी, ये उससे आती है भी, जैसे उन्होंने पुलिस में बहुत टाइम तक सर्व किया उस वजह से. विच मेक्स पीपल रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन. पीपल सीक हिज एडवाइस फॉर सेवरल रीजंस. पीपल, मतलब लोग उनकी एडवाइस इसलिए भी बहुत सारे कारणों के कारण मांगते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ही इज़ वेरी काम एंड पेशेंट, विच अलाउज हिम टू लिसन केयरफुली बिफोर ऑफरिंग एनी सजेशन. सेकेंडली, हिज बैकग्राउंड इन लॉ एनफोर्समेंट मीन्स ही इज सीन एंड हैंडल्ड अ वेराइटी ऑफ सिचुएशंस. सो हिज एडवाइस इज प्रैक्टिकल एंड बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस, वेदर इट्स अबाउट solving a personal conflict, managing finances, or even dealing with stress. My grandfather seems to have the right answer. He usually gives advice on how to stay disciplined and make thoughtful decisions. He is always emphasizing the importance of sticking to your principle and maintaining a strong moral compass. I remember once I was unsure about career decisions and he helped me weigh the pros and cons so logically that I felt much more confident in making my choice. All in all, I feel incredibly lucky to have someone like my grandfather in my life. Not only do I admire his knowledge, but I also appreciate how approachable he is. He has this ability to make you feel heard, and his advice always leaves you with a sense of clarity. In my opinion, he is not just a source of advice, but also a role model. So this was the sample answer for this cue card. For more such sample answers, you can refer to our channel and subscribe to channel. Jumbo cue card videos will be starting to be published soon on this channel, so stay tuned for that.